जोड़ाई करवाओ तो बात बराबर है पर लगता है बारिश के समय ना समझ लो वर्षा ही बेलो खुदवा दिए ओ ठीक है वर्षा ही बेला कप लेके चल रहे हैं हां जोड़ाई जो है डिफर होगा ना एकदम सर सही कर रहा लगे ना वर्षा ही बेलो फिर ये कवरिंग लेके आइएगा तो ग्राउंड लेवल इसका कौन सा है वो देख लीजिए हां वो जमीन के सतह पर वही दीजिएगा क्योंकि उससे ऊपर दीजिएगा तो चूहा हुआ घुस के पूरा मिट्टी बाहर कर देगा उससे बताइए तो इस साइड से करो हां इस साइड से बताइए 12 mm जो है ना लचक रहा ली में नहीं नहीं देख लेते हैं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा वो सीधा कर लीजिएगा अभी लगा के धागा कायल ऐसा बना दीजिए टांग टूट गया उनका बेचारा 1000 रुपया के चक्कर में आप 5000 फूक रहे हैं इसमें सर बार का दिया हुआ है लोहा का हाँ एंगलर बार है जैसे ये उठाए थे ना इसमें एंगलर बार देना था क्योंकि डबल मेस है वो अभी देने का जरूरत है जहाँ जहाँ सिंगल मेस में जाएगा तो सिंगल मेस में एंगलर बार 10 mm कॉर्निश में लाना होगा क्योंकि एज बनाएंगे ना इसको पिरामिड टाइप का एज बनेगा तो यही एज जो मिलता है जहाँ जाके उसी पर जो है एंगलर बार लगता है तो यही चीज दिया गया है और बड़ा में जो है 1 feet 3 inch है ना 1 feet 3 inch का कर लीजिए यहाँ से ये चीज 1 feet 6 inch ये यहाँ जहाँ कॉल्यूम से रहता है 3 inch रहेगा 3 inch तो चूंकि कवरिंग मिल गया आपको 3 inch कवरिंग आ गया तो 3 ही बचा ना तो 1.25 feet आपको चाहिए टेपर्ड सेक्शन और ये आपको इसका ढलाई सर हम कर दिए मोटा मोटी 1 feet के लपेट में ये तो हाँ, नहीं ठीक है ये सीधा 1 feet आ गया अब यहाँ कवरिंग जैसे ही मिल गया इसके बाद हमें 1 feet 3 inch चाहिए और ये चीज आ जाएगा इस लेवल पे और दोनों साइड जो है ऐसे करिएगा 5 inch का हमें जो है चारों तरफ ब्रिक वर्क कर लेंगे जैसे यहाँ पे है ना बैलेंस बनना चाहिए चारों बगल से चारों तरफ से ईट का जो है एक स्टेबल बेस होना चाहिए यहाँ पर से उठने में सही रहेगा तो चेकलिस्ट में ये सब चीज जरूरी है देखना ठीक है ना और ये कवरिंग लेके आइएगा तो ग्राउंड लेवल इसका कौन सा है वो देख लीजिए जमीन के सतह पर वही दीजिएगा क्योंकि उससे ऊपर दीजिएगा तो चूहा हुआ घुस के पूरा मिट्टी बाहर कर देगा वही दिक्कत आता है इसलिए ग्राउंड पर 0 level पर चलवाते हैं हम लोग ऊपर उठा देते हैं मिट्टी बाहर जाएगा तो पता चला सब फ्लोर डाउन वो मिट्टी नीचे से नीचे चला जाता है नीचे भाग जाता है ना चूहा का कौन रोकेगा उसको क्या समझदारी है अब ये सब चीज चेक कर लिए हैं एक बार प्लम्ब बॉब गिराइए तो प्लम्ब बॉब से हम चेक करना ओहो विनोद चा साहू लेके आओ साहू कॉलम का अलाइनमेंट एक बार चेक करेंगे उसको गिरा के साहू ले आओ कॉलम का अलाइनमेंट देखिए तो इक्वल है कि नहीं है कॉलम का धागा से नहीं कॉलम से नीचे तक जाके ऊपर से नीचे तक वो लगाइए वो छोटा वाला है ना वो हाँ फिटकरी लगाइए उसको सीधाई है कि नहीं ये देखना कॉलम का अलाइनमेंट ऊपर से लगाइए नीचे तक दिखाइए तो बांस पर रखिए ला बांस पर रखा ला आता नहीं कॉलम हो तो वो नहीं हाँ नीचे तक लेके जाइए नीचे तक लेके जाइए साल नहीं जा पाएगा देखा हाँ रिंग से रिंग देखो कितना का आ रहा है मोटा मोटी सही है मोटा मोटी उस साइड से बताइए तो किधर से इस साइड से बताइए तो इस साइड से बताइए 12 mm जो है ना लचक रहा ली में नहीं नहीं देख लेते हैं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा वो सीधा कर लीजिएगा अभी लगा के धागा से खींच के रख लीजिए इसको इधर से हाँ इधर से उन्हें तो एक साइड कर लो तो दो साइड थोड़ी मिलते देख रहे अभी खिसक रहा है इधर उधर हाँ तो समझा दे रहे हैं उसको गलत नहीं होना चाहिए ठीक है जो है ना सर साहुल से बेस पर कसी है ना यानी जो धागा है ना सर धागा के हिसाब से वहां पे दे रहे हैं हां 1.5 inch कवरिंग करके यानी कि तब कालम नीचे गिराए ना धागा है बड़ा है नीचे 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 बेस तक जाइए बेस पर ले जाए ना बेस धागे से तू बेस पर लेना धागे पर ले लीजिए धागा अरे ये तू यह से जे कल हो तो एक तू बेस पर लेना जा कवरिंग देख लेती ना सर 1.5 inch कवरिंग ऊपर थोड़ा दिखाना है हमको ऊपर तो हिलेगा डुलेगा हमको बेस देखना है बेस ना देखे गए हैं तो जो मेन पॉइंट है ना सर हाँ हमको वही चेक करना है हाँ इस भाग से उस भाग से कॉर्नर ऊपर चेक मत करिए ऊपर कैच करेंगे धागा सटाइए और सटाइए इधर सटाइए ठीक है ठीक है उधर से लगाइए तो आपको लगा कॉलम चेक कर रहे हैं ए चला गया निकाल लीजिएगा थोड़ा पानी मरवा देते ना इस पर स्नाइप रुक जाता जो भी तरफ हटे दिया था हां सब रुक जाता पानी इस पर चलवा देना हल्का पानी मार दीजिए लेन गया काम और सटाइए ना धागा में
धागा में नहीं सटल, हल्का सटे। हाँ ठीक है, रोके के बाद साहू ज्यादा ही नहीं छे। ठीक है ठीक है ठीक है, बेस ठीक है। उसका भी सब का वैसा ही किए हुए हैं, तेल मारे हुए थे, सबका चेक कर लिए ना। हाँ। सबको जब तक नॉर्म परफेक्ट आया तब तक नहीं, बात नहीं बढ़िया किए हैं। चेकलिस्ट यही सब चेक करना है धागा से, जो है जब कॉलम उठाइएगा इसमें तो ब्रिक वर्क करके जैसे लाइएगा तो इसको पहले टाइट करके खींच लीजिएगा। अब जो है ना वैसे होगा ना, तब यानी बेस के बाद सबको खींच के रखिएगा तब ब्रिक वर्क करिएगा। तो बेस पहले तो बेस कर दिया जाएगा। हां, करने के बाद वो कॉलम में कवर ब्लॉक बांधेंगे 40 वाला। हां 50 वाला। हां फर्मा सटाएंगे, साउल करेंगे इसको। फर्मा नहीं देना है ना, फर्मा नहीं देना है, ब्रिक वर्क करना है। बोले हुए थे इसमें ब्रिक वर्क जुराई का यहां पानी लगता है 1.5 फीट। कभी फेरा भेले थर्मो लगाए में टाइम लगबे करै छो, जुराई करबो तो बात बराबर पर लगता है बारिश के समय ना। समझलु वर सही भेलो, ओ बाद ये ठीक है, वर सही भेलै कप लेके चल रहे हैं। हां कल दिन जुराई जे है डिफर होगा ना एकदम, सर सही कर रहा लगिन वर सही भेलो, फिर ये वीडियो हम पर लागू हो जाएगा पता हो ना। ये कुरसारी काटे चले जा, वो फर्मा लगाने में ज्यादा इसमें टाइम लगता है, ईंटा से जोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसी लेवल पे लाना है ना, मुश्किल से आपको माने 2-2.5 फीट होगा, ज्यादा नहीं। क्या चीज? 25 टन करवा दीजिए। 25 टन, 25 टन जो होता है उसका पेडेस्टल, पेडेस्टल थी तो बन रहा है वो नीचे से, खाली वो हो गया। उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। उसके बाद भी जो होता है उसके बाद कवरिंग होता है, बनता है वो कवरिंग वर्क है, वो देना ही देना है। शुरू में ही बोल दिया गया है वही करना है, उस चीज ही होगा। हाँ हटाना नहीं है उस चीज को, जो चीज बोल दिए उसको करना है, कंडीशन देख के बोले ना। यहाँ 1.5 फीट पानी लगता है, कल दिन अगर फेल करेगा तो पकड़ेंगे किसको? क्या नहीं, मेरे से तो नहीं थे संपर्क में। हाँ रहते तो नहीं देखे हैं आज तक, कायल ऐसा बना दीजिए टांग टूट गया उनका बेचारा। भगवान के जमीन में उनका जो बना है ना जो चीज, वो वास्तु दोष है। वो चीज जब तक वो हटाएंगे नहीं उस जगह से तब तक उनके परिवार में टूटेगा ऐसा। सही में वो जो जमीन खरीद लेते हैं बगल में कहीं भी कर लेंगे, अथी वाला करेगा सेंट्रल के हो जाएगा। वो मैनेजर रहा बेचारा अखनी इस स्थिति में जी रहा कहीं पैसे ना है, 1 लाख रुपया उनका अथी उठाई है, कहीं पैसे ना है, पैसे ना है, कंते रहे। बाप रे बाप, 1 लाख रुपया के मतलब पेंशन उठा रहा कि ना हर एक महीना कहीं पैसे ना आएगा। वो चलते कहीं जमीन बेच के हटावे गए हमारे। क्या क्या प्रिकॉशन आपको अब रखना है अभी तक जितना बताए शुरू शाम तक बताइए? कॉलम के बारे में सर, अभी फाउंडेशन से लेके अभी तक जैसे इसमें पानी उनी पटाना है, इसको कॉलम सही हुआ है, धागा थ्रेडिंग सही हुआ है, इस तरह से और क्या क्या चेकलिस्ट है जो आपको याद रखना है? तो सर जो समझाए वो तो सर ध्यान में वही जो समझाए सो बताइए कि क्या क्या बताए हैं बताइए। इसमें सर बोले हैं जो मतलब कि इसका जो है सो नीचे मतलब कि जो बेस जो है बेस तैयार करके उसके बाद वो जो है जुराई करके मतलब चारों बगल से जुराई करके ग्राउंड बीम के लेवल तक लाना है। 2-2.5 फीट ही उठेगा, ज्यादा उठेगा नहीं। हमें तो मतलब लेवल करके देख लेंगे, लेवल पे लेके आना, यहाँ से जमीन का लेवल से सब कलम को लेवल करके उसी हिसाब से मतलब सबका जुराई करके अपना कलम जो है सो पैक कर देंगे। स्टीरअप का जो एनक्रेज था वो भी प्लेन था, वो भी बोल दिए थे, ये भी सही कर लिए, ये सब भी ध्यान रखना है। और जब भी कॉलम उठाइएगा थ्रेडिंग और यहाँ से इसमें भी जो है टाइट करके बाहर बांध के खूटा बना लीजिएगा ताकि ये हिलेगा नहीं, आपको काम करने में सहूलियत होगी। ठीक है, वो नारियल का रस्सी ला देंगे और कर लीजिएगा। अगली बार से इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए, लेबर वाला काम वो जो है वो आपका लेबर कॉस्ट आपका भाग रहा है, हम आपका बचाने के चक्कर में है कि 1000 रुपया के चक्कर में आप 5000 फूक रहे हैं। अगर मशीन आता तो एक दिन में पूरा ढल जाता इतना है, एक दिन में बात है, काम ओके नहीं था सर। हम क्या बोल रहे हैं, एक दिन में अभी ये मिला के आप 2 से 3-4 बहुत हुआ, 4 से ज्यादा नहीं ढालिएगा। 4 में कितना लेबर आप लगा रहे हैं? 3 लेबर लगा है, 4 मानिए, 3 लेबर का चार्ज क्या है? लेबर यहाँ 450 लेते हैं, 450, 4 × 12 इधर हो गया 1350-1300 रुपया एक दिन गया। 4 को पिलर मात्र किए, अब जोड़ लीजिए कितना पिलर में आपको 1000 रुपया
फायदामंद है कि नहीं सर? तो मेन दिक्कत है, 2-3 बजे से ना काम शुरू हुआ है। आप नहीं करते आज? आज करते ही नहीं, जरूरी है क्या? आज ही करना था काम शुरू हुआ। ऐसे अगर सवेरे यहाँ 8 बजे ही लोग पहुँच जाता है, 8 बजे से अगर करेगा ना, मशीन लगा देंगे ना, आपके लिए बेनिफिट है। वो हम आपका बेनिफिट बना रहे हैं कि जितना जल्दी मशीन तो सर लगेगा ही, बिना मशीन लगाए हुए हो नहीं सकता। टोटल में लगा लीजिए, फायदे में रहिएगा, नहीं तो फिर यही होगा, गांव की स्थिति रहेगा, फिर कहिएगा कि मालिक से पैसा लिए हमें बचा नहीं। ये तो बेनिफिट आपको निकालना है कि आप कैसे ज्यादा ज्यादा पैसा बचा लीजिए। मेन दिक्कत है यहाँ सर, एक दिन के लिए कोई मशीन देता नहीं है। एक दिन के लिए अगर मशीन देगा तो मोटा मोटी उसको डील कर लीजिए ना, कि हमको यहाँ से यहाँ पर जो है, जैसे इसमें हुआ, बीम में हुआ, फिर जो है लिंटल से पहले जो है सब में करना है, फिर छत में हमें चाहिए, तो उसे डील कर लीजिए। 4 बार हमें जरूरत है, आप ही से लेंगे, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको 4 बार प्रॉफिट दिए ना आप, एक दिन एक बार तो नहीं दिए, 4 बार जिसको प्रॉफिट दीजिएगा वो आदमी कहीं भागेगा? उसे देखते हैं शाम में बात करते हैं। खुद का प्रॉफिट बनाइए, नहीं तो फिर ठेकेदार जो है जनरल ठेकेदार बन के रह जाइए। काम भी जल्दी हो लिया, पर भी काम हाँ, नाम मात्र का ले रहा है ना, डीजल लगा के 3 लेबर का ले लेगा। अरे 1500 ले ले, 1000 के बदले, 10,000 तो नहीं लगेगा ना। क्या पिलर गिन लीजिए, 4 पिलर से डिवाइड कर दीजिए, उतना 1300 से गुना कर लीजिए, बुझा जाएगा आपको। अभी तक तो हमें नहीं लग रहा है फाइनल भी हुआ है, अभी फाइनल भी नहीं हुआ है, अभी टेपर बचा ही हुआ है, बचा हुआ है अभी। अब जोड़ लीजिए, आप ही हिसाब निकालिए, कभी भी जो है कैलकुलेटिव वर्क करिए, कैलकुलेटिव वर्क करिए, फायदे में रहिएगा। नहीं तो मेरा क्या मतलब था आपसे बताने का, तो आपके फायदे के लिए हम बता गए हैं।